सो वेलकम टू द लेक्चर एवरी वन। सो आज हम लोग सीखने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू भी पढ़ेंगे। जब भी आप लोग फूड खाते हो तभी वो कौन से प्रोसेस थ्रू जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग आज पढ़ने वाले। ओके, सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। यहाँ पे आपको दिखते रहेगा कि गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टमक, ओके, एंड इंटेस्टाइनल इज द इंटेस्टाइन्स। ओके, सो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी बोला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टार्ट टू द एंड इट इज अ कंप्लीट हॉलो स्ट्रक्चर और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसको एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी बोला जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक अ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में का। अगर इसने खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया तो हमारे बाकी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? सिंपल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? ओके, डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ओके, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, यू कैन सी दिस। डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंसेस विच कैन बी एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम। सो वो ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? वो ब्लड स्ट्रीम से सेल के पास चले जाएगा और सेल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स वॉट? सो लेट अस से आप लोगों ने चपाती खाया, राइट? चपाती में आपको मिले कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? ये कार्बोहाइड्रेट को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसका नाम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस, इनको ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करना? सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कन्वर्ट करना थ्रू अ वेरियस प्रोसेसेस। ओके, और एक एग्जाम्पल अगर देखे, सो लेट से यू हैड पनीर, आप लोगों ने पनीर खाया, तो पनीर में से आपको क्या मिला? प्रोटीन, राइट? प्रोटीन किसमें? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो दिस प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड, एंड दैट अमीनो एसिड इज गोइंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और वो फिर ब्लड स्ट्रीम से कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा, राइट? सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। डाइजेशन, अगर फॉरगेट अबाउट डाइजेशन खराब है या नहीं है, बट लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हमारे न्यूट्रिएंट में काफी, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। आपको ये भी पता रहेगा, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फैट खाना मना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो जाता है, गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले, सॉरी। सो अगर गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो जाता है, सो बहुत लोगों को बोला जाता है कि आप खाने में फैट ज्यादा नहीं खा सकते, राइट? बिकॉज गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा रोल है फैट के ब्रेक डाउन के लिए, डाइटरी फैट के ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है? तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है तो हम लोग भी वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, और वो न्यूट्रिएंट आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता है, और फिर वो आपके सेल तक नहीं जा सकता है, सिंपल एज दैट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो नाउ अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ओके, वो हम लोग अभी देखने, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ सी, डाइजेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब क्या? आप लोगों ने एक फूड को, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप लोगों ने चपाती ली, और चपाती जैसे आप लोग ने माउथ के अंदर इंजेस्ट किया, ठीक है, और आपने चबाना शुरू किया,
वो फूड कैसा था, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था, उसके टुकड़े होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया, वो टूट गया पहले, सो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल ब्रेकडाउन। ओके, केमिकल ब्रेकडाउन मतलब क्या, जो फूड फिजिकली ब्रेकडाउन हुआ है ओके उसमें से सिंपल प्रोडक्ट्स को या सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे बॉडी के पास होते एंजाइम्स। ओके, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जो फूड फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है उसके ऊपर एक्ट करके उसमें से सिंपल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते। ओके, सो केमिकल प्रोसेसेस में क्या आते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, आप लोग एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो। ओके, सो फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन होना एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने ऐसा सुना रहेगा कि एक निवाले को कितने बार चबाना चाहिए, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, जब तक आप लोग उसको प्रॉपरली निगल नहीं सको तब तक आपको उसको च्यू करना चाहिए। ओके, तो फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन में हम लोग बोल सकते हैं च्यूइंग ऑफ द फूड, राइट, सो उसको प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। अगर सपोज फूड को प्रॉपरली च्यू नहीं किया, नहीं करता है कोई, तो उसका फिजिकल ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसका केमिकल ब्रेकडाउन भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी तक वो कॉम्प्लेक्स फूड ही है, राइट, सो उसके लिए फिजिकल ब्रेकडाउन भी इंपॉर्टेंट है और केमिकल ब्रेकडाउन भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा अगर फूड का, तो केमिकल ब्रेकडाउन भी प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, सो नाउ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, यू कैन से फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। ओके, सो नाउ यहां पे मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, डाइजेशन कहां से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। ओके, जहां पे आप लोग एक फूड को इंजेस्ट करोगे। ओके, सो नाउ माउथ में बेसिकली फिजिकल ब्रेकडाउन होते रहता है फूड का। सो माउथ में आपको क्या क्या मिलेगा, माउथ में आपको मिलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, आपको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे टीथ्स, ओके, और आपको आपको मिलेगा टंग, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग। टंग का काम क्या होता है, टंग में आपके टेस्ट बड्स होते हैं जो आपके फूड का टेस्ट बताते हैं आपको, इज इट बिटर, ओके, इज इट, इट इज सार, ओके, सो ये टेस्ट बताने का काम आपके टंग में जो टेस्ट बड्स होते वो करते। टंग का और दूसरा काम क्या होता है, सपोज यू आर च्यूइंग द फूड, राइट, तो टंग क्या करेगा, च्यू करते समय उस फूड को वापिस आपके दांतों के पास लेके जाता है, राइट, इट ट्राई टू कीप योर फूड और इट हेल्प्स इन द च्यूइंग ऑफ द फूड। ओके, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बिना टंग हिलाए आप लोग चबा के बताओ, कुछ भी नहीं होगा आपसे। हाँ, कॉन्शियसली भी हम लोग नहीं करते ऑब्वियसली, बट वो सबकॉन्शियस मैनर में होते रहता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका काम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा सीक्रेट करना। ओके, व्हाट इज सलाइवा, सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड, ओके, विच इज सीक्रेटेड इन द माउथ, और सलाइवा ऑलमोस्ट 98% वाटर से बना हुआ रहता है, 98% वाटर और बाकी 1-2% ऑफ एंजाइम। आपको एक सलाइवा की खास बात बताता हूं, सलाइवा हमारे इम्यून सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सलाइवा आपके खाने में से जो बैक्टीरिया आते उनको मारने के लिए भी सलाइवा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, सलाइवा में एंजाइम्स होने के वजह से आपका जो फूड होता है उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन वहां पे होगा। ओके, सलाइवा आपके फूड को एक स्लिपरीनेस भी देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई ना कोई एक ड्राई फूड खा लिया तो उसको निगलने के लिए वो स्लिपरी होना बहुत जरूरी है, राइट, तो सलाइवा उसके ऊपर एक परत बना देगा जिसके वजह से आप लोग फूड आराम से निगल सकते। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, माउथ में ये तीन चीजें होती है, सलाइवरी ग्लैंड होगा, टीथ होगा और आपका टंग होगा। टीथ के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं, टीथ्स कितने होते हैं टोटल, देर आर 32। ओके, ऊपर का एक रो होता है और एक नीचे का रो होता है। ह्यूमन बॉडी में एक डेंटल फॉर्मूला होता है,
व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला। अभी देखो डेंटल फॉर्मूला कैसे कैसे समझना है या डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। डेंटल फॉर्मूला में अगर आप लोग देखोगे, सो अगर मैंने ऊपर का रो ले लू या नीचे का रो ले लू टीथ का, तो उसको हाफ साइड से देखो, मेगा हाफ, ओके। तो ये साइड में जो टीथ आते हैं ना, वही ये साइड में होने वाले, तो देर आर नो डिफरेंसेस। बट हम लोग हाफ करेंगे और हम लोग हाफ के एक साइड में देखेंगे हाउ द टीथ आर अरेंज्ड, ओके। सो लेट्स सी, सो यहां पे होते इनसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। आगे के जो चार दांत होते हैं, ओके, जो कैसे होते हैं, वो एकदम शार्प होते और ऐसे चपटे होते, फ्लैट होते, राइट, उनको बोला जाता है इनसीजर्स। एकदम इनसीजर्स के बाजू में एक नोकीला दांत होता है जिसको बोला जाता है कैनाइन। कैनाइन के पीछे ऐसे स्क्वायर में, ओके, फ्लैट दांत होते, उनको बोला जाता है प्री मोलर, और लास्ट में जो होते, ओके, उनको बोला जाता है मोलर्स। प्री मोलर और मोलर का काम क्या होता है, कैनाइन का काम क्या होता है, इनसीजर्स का काम क्या होता है। इनसीजर्स का काम होता है कि लेट से यू आर ईटिंग अ कैरेट, अ स्लाइस ऑफ अ कैरेट, तो आप लोग उस कैरेट को पीछे नहीं रखोगे, आप लोग इनसीजर्स के मदद से उसको पहले तोड़ोगे, राइट, और फिर वो कैरेट का टुकड़ा पीछे जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट च्यूइंग इट। तो ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ना, ये आपके फूड को क्रश करने के लिए काम आते हैं, ओके। इसके लिए वो साइज में बड़े होते हैं और स्क्वायर शेप में होते हैं, ताकि वो फूड बराबर से क्रश हो सके। तो इनसीजर्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू डेंटल फॉर्मूला, दो, कैनाइन वन, प्री मोलर टू, सॉरी, ओके, एंड मोलर्स थ्री, टू वन टू थ्री, ओके। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन माउथ, क्लियर। सो नाउ जैसे ही आप लोग यहां पे फूड इंजेस्ट करते हो, लेट से यहां पे फूड आ गया, तो पहला क्या होगा, च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट होने वाला कौन सा डाइजेशन है, फिजिकल ब्रेकडाउन, ओके, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। डाइजेशन प्रोसेस में फर्स्ट क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन, तो उस फूड को तोड़ा जाएगा, द फूड विल बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस, राइट। जैसे वो स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में टूटा जाता है, उसके बाद वो जो फूड आपने खाया था उसका शेप एक बॉल शेप में हो जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बोलस, उसको बोलस भी बोला जाता है, ओके, एक सर्कुलर शेप में हो जाएगा। क्यों सर्कुलर शेप में हो जाएगा, ताकि उसको निगलना, ओके, आसान हो जाए, इट शुड इजीली गो डाउन थ्रू द फूड पाइप। सो उसका स्क्वायर या ट्रायंगल शेप नहीं होता है, वो कभी भी बोलस शेप में हो जाएगा। उसके ऊपर सलाइवा एक्ट करेगा, सलाइवा उसको एक स्लिपरीनेस देगा, राइट, उसमें जो भी फूड में जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आए हैं उसको ब्रेकडाउन भी सलाइवा करेगा। खास करके किसको ब्रेकडाउन करता है बता दो, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड है फैट। प्रोटीन का ब्रेकडाउन माउथ में नहीं होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। सो नाउ जैसे यहां पे बोलस आ गया, राइट, यहां पे देखो, यहां पे टंग है आपका, राइट, जैसे ही आप लोग इसको निगल लेते हो, आपका कंट्रोल उस बोलस पे से निकल जाता है, नाउ यू कैनॉट कंट्रोल इट। जब तक आप लोग उसको च्यू कर रहे थे तभी ही आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे वॉलेंटरीली, जैसे ही आप लोगों ने बोलस को निगल लिया वो इनवॉलेंटरी हो गया, अभी नाउ इट इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। नाउ सी, जैसे ही आप लोगों ने बोलस को निकला, सो यहां पे देखो ये पोर्शन पे क्या होता है, यहां पे ये जो फूड पाइप है इसी के बाजू में और एक पाइप होता है और उसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, इट इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। विंड पाइप में कोई भी फूड अलाउड नहीं है, अंडरस्टैंड, लेकिन यहां पे उसको डायरेक्ट एक ओपनिंग होता है। अभी सपोज ये फूड, ये जो बोलस है
ये डायरेक्टली विंड पाइप में भी एंटर कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पे एक ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, ऐसा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लॉटिस। इट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। तो अब ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम करेगा, सो सी, जैसे ही बोलस इसको टच करेगा, ओके, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विंड पाइप को बंद कर देगा और आपके फूड पाइप का एंट्री ओपन कर देगा, राइट? मतलब बोलस आपके विंड पाइप में जाएगा ही नहीं। सो एपिग्लॉटिस ने क्या किया, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को क्या कर दिया, बंद कर दिया। नाउ द फूड कैन एंटर डायरेक्टली इनटू द फूड पाइप। अब ये फूड पाइप का नाम क्या है, फूड पाइप का नाम है इसोफेगस। इट इज ऑल्सो अ मसल, इसोफेगस इज ऑल्सो अ मसल, ये पूरा का पूरा एक मसल ही है, ओके। सो इसोफेगस क्या है, इसको बोला जाता है फूड पाइप, जहां से ये जरिया है, जहां से आपका बोलस आपके स्टमक के अंदर जाएगा, अंडरस्टूड? सो नाउ सी, इसोफेगस जो है इसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, इसमें एक ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होती है, अंडरस्टूड? इस तरीके से इस वेव लाइक मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाइलिसिस। देयर इज अ वेव लाइक मूवमेंट, ओके, मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट इज अ वेव, देयर इज अ वेव लाइक मूवमेंट, ओके। सो नाउ ये जो पेरिस्टाइलिसिस, ये वेव लाइक मूवमेंट है, उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाइलिसिस। ये वेव लाइक मूवमेंट होती क्यों है ना, सपोज अगर बोलस यहां पे आके अटक जाता है तो वो यहां पे स्टमक तक जाएगा ही नहीं, तो ये वेव लाइक मूवमेंट है ना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन विच हैपेंस। सो सपोज अभी बोलस यहां पे आ गया तो पीछे से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बोलस और आगे शिफ्ट हो जाएगा, वापिस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और आगे शिफ्ट हो जाएगा, वापिस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है उस बोलस को स्टमक में लेके आने के लिए, राइट? सो यहां पे क्या हो गया, यहां पे फाइनली वो जो बोलस था वो आपके स्टमक के अंदर एंटर हो गया, ठीक है? यहां से स्टमक का वॉल्व क्या हो गया, बंद हो गया। स्टमक में यहां पे एक वॉल्व होता है, नहीं तो सारा का सारा खाना वापस ऊपर आ जाएगा, राइट? तो स्टमक में यहां पे वॉल्व होता है, वो बंद हो जाएगा। और एक पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट जो होती है वो ऊपर की तरफ नहीं होती है, वो नीचे की तरफ होती है। खाना कभी अंदर इसोफेगस में एंटर करने के बाद ऊपर नहीं आता है, वो क्या होता है, नीचे की तरफ ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके, ताकि वो बोलस स्टमक में जा सके, ओके? सो नाउ बोलस स्टमक में आने से पहले यहां पे कुछ रिएक्शंस होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है? स्टमक इज द ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जहां पे बहुत सारे ब्रेकडाउन होते हैं, यहां पे काफी सारे ब्रेकडाउन होते हैं फूड के, खास करके स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, ओके? खास करके स्टमक में किसका ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन यहां पे ब्रेकडाउन होना शुरू होगा, ओके? सो नाउ सो यहां पे क्या होगा, देखो फूड एंटर होने से पहले स्टमक में स्टमक एसिड सीक्रेट होता है, स्टमक एसिड, और उसका नाम है HCl, हाईली एसिडिक इन नेचर। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये स्टमक को भी डैमेज कर सकता है, ओके? सो ये स्टमक एसिड सीक्रेट होने के लिए क्या वजह हो सकती है, सो फॉर एन एग्जांपल, HCl स्ट्रांग क्यों होता है, ओके? उसका पीएच काफी ज्यादा लो होता है, तो वो काफी ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, ओके? इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। सो नाउ आप लोगों ने जो खाना खाया, वट एवर फूड यू एट, इट कंटेन्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी थे उसके अंदर। तो जब भी ये बैक्टीरिया या फिर वो पूरा का पूरा जो फूड का बोलस था, जब भी वो HCl में आके डिप हो जाएगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेड। Why? बिकॉज HCl इज हाईली एसिडिक इन नेचर, सो बैक्टीरिया क्या हो गया, डेड हो गया, राइट? सो इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी एज वेल, ओके? सो नाउ यहां पे पूरा का पूरा HCl है अभी, ओके, दिस इज कंप्लीटली HCl। लेकिन अभी देखो, अगर सपोज ये HCl स्टमक के मसल को जाके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो क्या होगा,
स्टमक बर्न हो जाएगा, राइट। तो यहां पे एक लेयर फॉर्म होता है, एक स्लाइमी लेयर फॉर्म होता है, ओके, स्टमक के वॉल को ऐसे पकड़ लो कि स्टमक का जो इनर वॉल है उसके ऊपर एक ऐसे एक लेयर आ जाता है, ओके, और वो लेयर वो बोला जाता है म्यूकस, एक म्यूकस का लेयर आ जाता है। सो HCl स्टमक के वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, राइट। स्टमक के वॉल से क्या आएगा, कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। सो नाउ यहां पे जब भी HCl आएगा और उसके बाद में यहां पे क्या आएगा, बोलस, ओके। सो यहां पे क्या आ गया, बोलस आ गया, HCl में अभी बोलस आ गया। सो नाउ यहां पे एक रिएक्शन होता है। नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मैंने कहा था कि स्टमक में प्राइमरी ब्रेकडाउन होगा वो प्रोटीन का होने वाला है, ओके। सो प्रोटीन मतलब क्या, लेट से यू आर हैविंग चिकन इन योर फूड, यू आर हैविंग पनीर इन योर फूड, यू आर हैविंग फिश इन योर फूड, तो वहां पे क्या है, उसके अंदर क्या प्रोटीन है, तो वो जब भी आपके स्टमक के अंदर एंटर होगा तो वहां पे उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ सी, प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम, ओके। एंजाइम क्या करते, कोई भी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने का वो काम करते, या फिर कोई भी एक रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाते, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शंस, ओके। सो नाउ जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा उसका नाम है पेप्सिन, ओके। अभी यहां पे खास बात सुनो, HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे लिखता हूं मैं, सी दिस, ओके। इसका जो पीएच होता है वो काफी ज्यादा लो होता है, तो ये क्या हो गया, हाईली एसिडिक इन नेचर, वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। देखिए अभी पेप्सिन और HCl का क्या रिलेशन है, सी, अगर HCl एसिडिक नहीं होगा तो आपका पेप्सिन बराबर रिलीज नहीं होगा, या पेप्सिन प्रॉपर अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा और आपका प्रोटीन सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। यहां पे मैं आपको कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टमक है, ये स्टमक क्या करता है, एक इनएक्टिव एंजाइम बोल सकते हो, उसको जाइमोजन बोला जाता है, बट इतना हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। किधर रिलीज करता है, ये जो स्टमक है इसके कुछ खास सेल्स होते हैं जो कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। कहां पे रिलीज करते हैं, अंदर रिलीज करते हैं, बराबर है। सो जैसे ही यहां पे पेप्सिनोजन आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन देन इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन। उसके बाद अगर सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपरली एसिडिक फॉर्म में नहीं रहेगा तो पेप्सिन कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, तो मतलब आपका प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये कभी होता है पता है, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज हैविंग प्रोटीन इन 6 to 7 मील्स अ डे, और ऐसा पर्सन है जो पूरे दिन में प्रोटीन खाता ही नहीं है। हम लोग दोनों में एक फर्क देखते हैं। जो आदमी हर एक मील के अंदर, लेट से 300 ग्राम्स ऑफ चिकन और लेट से 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, ओके, इतना जब भी वो खाता है तभी उसको लेट से कि एक ही मील के अंदर उसको 40-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गया, बराबर। अभी जब भी इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक सेडेंट्री आदमी ने डायरेक्टली खाना शुरू किया ना, तो उसको स्टमक बर्न्स आएगा, उसको बर्ब्स आएंगे, उसको इनडाइजेशन के इश्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा स्टिमुलेशन फर्स्ट टाइम उसने दिया था, ओके। बहुत लोगों को प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने उतना ज्यादा स्टिमुलस बॉडी को दिया होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बॉडी बिल्डर पूरे जिंदगी भर, या कोई भी एथलीट होने दो, उसको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट या प्रोटीन नीड पूरे दिन का पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर उतना ही प्रोटीन अगर एक सेडेंटरी पर्सन खाए तो
ऑब्वियसली उसको तकलीफ होगी, इनडाइजेशन के इश्यूज हो गए। तो क्यों होते? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन आप खाओगे उतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होगा, राइट? स्टमक का नेचर, स्टमक का एनवायरमेंट कैसे होगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया अभी। अंडरस्टूड? अभी सपोज और एक एग्जाम्पल लेते, फॉर लेट्स से अ केस, सपोज आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया है और अभी आपका स्टमक प्रॉपर अमाउंट में HCl नहीं रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा? प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रहेगा, ओके? और इनडाइजेशन के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ओके? सो आई होप ये आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्ट करेगा। अभी देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे जब भी पूरा का पूरा ये जो फूड है, ओके, यहां पे क्या स्टमक क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। स्टमक इज ऑल्सो मसल, सो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो फूड है ना, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, पेस्ट लाइक फॉर्म। पहला कैसा था? सेमी सॉलिड था ना, बोलस अंदर आ गया, पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पेस्ट लाइक फॉर्म को बोला जाता है चाइम, CHYME। चाइम मतलब अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स, ओके? सो डोंट वरी। सो चाइम मतलब क्या? इट इज अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है? सो नाउ जब भी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद आपका जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी हो गया। नाउ द फूड इज रेडी टू गो इन द इंटेस्टाइन। यहां तक सारे के सारे एंजाइम एक्ट करते, जैसे ही आपका फूड इंटेस्टाइन में गया, ओके, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद वो वहां से कहां पे जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चलेगा। सी, यहां पे आपका स्टमक खत्म हो गया, यहां से आपका इंटेस्टाइन शुरू। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो, ये सी लाइक शेप है ना, दिस सी लाइक शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सी लाइक शेप को बोला जाता है डुओडेनम, इट इज कॉल्ड एज अ डुओडेनम। डुओडेनम इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सी शेप स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो हैविंग अ सी शेप स्ट्रक्चर। यहां पे दो एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यहां पे मैंने लिख के रखे थे। उसमें से गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड लीवर, ये सी शेप को कनेक्टेड होते हैं। कैसे? सो देखो, दिस इज योर लीवर ओवर हियर, ये आपका लीवर है, ओके? यहां पे एक ऑर्गन होता है, मैं वापस रीड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में। यहां पे एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रिया, ओके? यहां पे लीवर को अटैच, ओके, एक ऐसा बोल सकते हो, एक थैली होती है छोटी सी, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। और वो गॉल ब्लैडर है ना, यहां पे ऐसे पाइप जैसा रहेगा, अटैच होगा। और यहां पे भी ये पैनक्रिया जो है ना, यहां से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आएंगे और वो ये सी शेप को अटैच रहते हैं अंदर की तरफ, और इसको बोला जाता है डक्ट। क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज डक्ट। डक्ट इज नथिंग बट अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ओके? सो वापिस एक बार ड्रॉ करता हूं, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहां पे देखो, अभी यहां पे मेन काम शुरू हो गया। यहां पे आपका और ज्यादा केमिकल डाइजेशन में, जो मैंने बोला था कि एंजाइमेटिक रिएक्शन यहां पे शुरू हो जाएंगे। तो देखो यहां पे, यहां पे जब भी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में फूड कन्वर्ट होगा तो यहां पे वो आ जाएगा। सो दिस इज अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहां पे आ गया, लीवर का और पैनक्रिया का काम यहां पे शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है? देखो, पैनक्रिया यहां पे कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। व्हाट इट इज कॉल्ड? डाइजेस्टिव जूसेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम। क्या होता है ये? मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स होते हैं ये, ओके? जो किस पे पैनक्रिया रिलीज करने वाला है, वो उस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर पे पैनक्रिया वो सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेगा? वहां पे सीक्रेट करेगा, ताकि वो एंजाइम्स जाके आपका जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में
जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स बचे होंगे उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ओके, सो यहां पे एक एंजाइम का नाम बताता हूं मैं, लाइपेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो आपके खाने में जो आप लोग फैट खाते हो उसका ब्रेक डाउन करता है। ओके, यहां पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैनक्रिया ने क्या किया, यहां पे सी शेप में जो डुओडेनम इसका नाम था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, वहां पे क्या रिलीज किया, डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। सो अभी क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड्स है, जो उसमें कॉम्प्लेक्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए, उसको टूटना हुआ अभी शुरू हो जाएगा। तो यहां पे फैट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, डाइटरी फैट। यहां पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, यहां पे भी शुरू हुआ था, यहां पे भी हुआ था, अभी वो यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अभी ये प्रोटीन किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, फैट किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, वी टीच वेरी मच थरोली इन आवर डिप्लोमा कोर्सेस। ओके, तो यहां पे आपको अलग अलग तरीके से सीखने मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट जब भी ब्रेकडाउन होता है तभी क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तभी क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, डाइटरी फैट ब्रेकडाउन होता है तभी क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। सो नाउ सी, यहां पे इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर, यहां पे मैंने लिखा है, देखो गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू द लीवर। गॉल ब्लैडर में एक तरीके का जूस स्टोर होता है, राइट। सो दैट जूस इज कॉल्ड एज बाइल जूस, यहां पे मैं लिखता हूं, इट इज कॉल्ड एज बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस यहां पे आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइटरी फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, बाइल जूस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द डाइटरी फैट। बाइल जूस के बिना डाइटरी फैट इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते, तो बाइल जूस होना इंपॉर्टेंट है। और वो बाइल जूस कहां पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो यहां पे देखो, ये पूरे के पूरे सी शेप जो यहां पे जो स्ट्रक्चर है, सो इन दिस सी शेप स्ट्रक्चर यहां से सिंपल सिंपल फॉर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड यहां से आगे जब भी जाएगा तभी वो पूरा का पूरा सिंपल फॉर्म में जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में कैसे, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो गया तो ग्लूकोज मिला हमको, फैट ब्रेकडाउन हो गया तो हमें फैटी एसिड्स मिले, फ्री फैटी एसिड्स। उसके बाद में प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया, हम लोग को क्या मिला, अमीनो एसिड्स मिला। तो अभी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये अभी एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो गए। ओके, सो नाउ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे का पार्ट है, ये आगे के पार्ट में अंदर की तरफ ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सी हाउ आई एम ड्रॉइंग दिस, ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलरली लाइक अ टूथब्रश। हमारा टूथब्रश कैसे होता है, सिमिलरली वैसे। ओके, तो ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विली, वी आई एल आई, ठीक है। सो ये क्या होगा, देखो जैसे ही ये पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तो वो विली क्या होते हैं, वो उसको ब्रश करते रहते हैं। ब्रश करते रहते मतलब वो जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज ये हाथ मेरा पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि चाइम, ठीक है, यहां पे, हाँ, तो चाइम जब यहां से आएगा, राइट, और ये सारे के सारे उसके अंदर जो भी सिंपल न्यूट्रिएंट्स है या सिंपल फॉर्म्स है वो इस विली के ऊपर से ऐसे गुजरेंगे। और ये विली क्या करता है, ये विली का अगर मैंने सपोज अभी इसका अगर सिंगल स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो ये कैसे होगा, देखो इट इज लाइक दिस, ये होते हैं आपके विलीज। ये विलीज क्या करते हैं, इसके अंदर एक ब्लड वेसल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं इस तरीके से। तो यहां पे देखो ये विली क्या करेंगे, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो सिंपल फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो गए थे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे जैसे वो चाइम उस विली के ऊपर से जाएगा, वैसे वैसे वो सिंपल प्रोडक्ट्स होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे, राइट। नाउ सी,
जैसे ही वो एब्जॉर्ब होंगे ना, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, कभी भी याद रखना। सो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से कुछ वेन्स होते जो आपके लीवर तक जाते। क्या होते? वेन्स होते ऐसे जो लीवर तक जाएंगे, पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे पूरा का पूरा वेन्स होता है। ओके, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेन्स होते हैं। तो याद रखना, जब भी ये ग्लूकोज, फ्री फैटी एसिड, अमीनो एसिड डायरेक्टली ब्लड में कभी नहीं जाएगा, ये सारे के सारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके फर्स्ट किस में जाएंगे? लीवर में जाएंगे। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ओके, ब्लड में सारी चीजें जाने से पहले टॉक्सिक मटेरियल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके लीवर क्या करता है? आप उनको हटा देता है, एंड प्योर न्यूट्रिएंट्स आर सेंट इनटू द ब्लड। तो सारे के सारे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन के थ्रू, कहां पे जाएंगे? लीवर के पास, और लीवर फिर डाल देता है इसको सर्कुलेशन में। तो सबको पहला परमिशन किसका लेना पड़ता है? लीवर का, राइट? तो अभी देखो, ये पूरा प्रोसेस यहां तक चलते रहता है, टिल दिस पार्ट, जो एक कंटिन्यूटी। तो विली आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे, पूरे पूरे के पूरे सर्फेसेस में आपको विलीज मिलेंगे। क्लियर है? नाउ सी, यहां से शुरू होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? यहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। लार्ज इंटेस्टाइन में कभी भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जाएगा, अनडाइजेस्टेड। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल में क्या आता है? सपोज अगर फिजिकल ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, ओके, तो वो सारे के सारे फूड्स रहेंगे। सेकेंड, खास करके इसमें होता है फाइबर, डाइटरी फाइबर। ह्यूमन बॉडी फाइबर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, ओके, सो फाइबर अनडाइजेस्टेड होता है। आप लोगों को बहुत लोग बोलेंगे कि फाइबर एक बाउल खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फाइबर में से आपको, फाइबर बेसिकली बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, तो आप लोग उसको ज्यादा खाओ, ओके। यू नो देर आर मेनी पीपल हु आर टेलिंग कि फाइबर क्वांटिटी में खाना चाहिए, ऑब्वियसली, ओके, आई अग्री, बट उसका फैट लॉस से और फैट गेन से कोई उसका रिलेशन नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग ब्रोकन डाउन। फाइबर किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है पता है? फाइबर इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, मतलब फाइबर में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो किसके अंदर होता है? एनिमल्स में। और कौन से एनिमल्स में? रूमिनेटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल काउ, ओके, बफेलोज, ओके, बुल्स, ये सारे जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, उन लोगों को फाइबर में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम्स अवेलेबल है जो फाइबर को ब्रेक डाउन कर सकते, हमारे पास नहीं है, राइट? सो ये खाने में से जो भी फाइबर था वो किसके अंदर एंटर करेगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और एक लार्ज इंटेस्टाइन की खास बात, लार्ज इंटेस्टाइन के सेल को बोला जाता है कोलॉन सेल्स। क्या बोला जाता है? कोलॉन सेल्स। और कोलॉन सेल्स को जिंदा रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट इज नथिंग बट फाइबर। फाइबर में से, फाइबर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसमें से आपके कोलॉन सेल्स क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। डाइट में फाइबर खाना जरूरी है। अगर आप लोग फाइबर नहीं खाते हो, कुछ समय बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन खराब होने का चांसेस है। सो डाइटरी फाइबर शुड बी देयर इन योर डाइट। फॉर एग्जाम्पल, बिगर मील्स, लेट्स से यू एड इट इन अ डिनर एंड यू एड इट इन अ लंच, तो दो मील में ऐड करो, फाइबर में क्या क्या आएगा? वेजिटेबल्स, ओके। तो ये सारा का सारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होगा? बॉडी बाहर फेंक देगी। सो देयर इज एक्सक्रीशन, राइट? सो देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ इन केस यू वॉन्ट एनी लेक्चर, ओके,
सो यू कैन कमेंट कि आपको कौन सा लेक्चर सुनना है, या आपको कौन से यूट्यूब पे कौन से लेक्चर्स चाहिए, या फिर आप मुझे टॉपिक बता दीजिए. सो यू आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट. ओके, आई विल मेक श्योर कि मैं वो लेक्चर्स वहाँ पे पोस्ट करूँ. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.